का पेड़ आप क्लियर हैं, श्योर हैं? क्या मतलब छाड़ क्या है ये? हमारे कैंडिडेट लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सही से बोलिए क्या नाम है? प्रधानमंत्री। साइंस जो पढ़ते हैं उसके अंदर तीन बुक आती है, तीनों का नाम इतिहास बायोलॉजी। राष्ट्रीय फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट टू एवरीवन गाइस। तो गाइस आज हम मौजूद है अपने छोटे से कोचिंग में, जब यहाँ पढ़ाया करते थे तो इसमें हमें एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया आया? मेरे पास आइडिया आया कि चलो भाई यहाँ पे एक यूज किया जाए, जो कि हमारे साथ ये मौजूद है छोटे छोटे बच्चे जो हमारे गाँव में है और पढ़ते हैं कोचिंग पढ़ा करते हैं। तो हमारे अंदर कुछ भी आया कि हाँ चलिए एक जो है हमारा वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया जाए यहाँ इनके लिए, और इनसे कुछ क्वेश्चन का पूछताछ किया जाए इस तरह से, ताकि यहाँ पे कुछ पढ़ाई का सोर्स बन पाए। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इनके साथ, और कुछ रूल्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं। हम मौजूद हैं अपने छोटे से कोचिंग में, जिस कोचिंग का नाम साइंस रिजेक्शन, आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं इसके बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं नॉलेज के बारे में, हमने सारे के सारे इजी वे में बता रखा है। और वीडियोस जो है हम लोग अब डेली वाइज डेली इसको अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि हमारा 12th के जो भी हमारे भाईगण बंधुगण सगागण हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से वो, और हमारे इंग्लिश का जो होता है ज़्यादातर हमारे जो भाईगण होते हैं बिहार बोर्ड से, उनको दिक्कतें आती हैं इंग्लिश में, ताकि छोटे छोटे जो भी स्टेप्स होते हैं वो बताया नहीं जाता है हर एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो पढ़ा करते हैं इंग्लिश के कोचिंग में। तो खैर हम उन सब बातों का ध्यान रखते हुए इनके लिए हमने इजी वे में सोर्स को उपलब्ध कराने की कोशिश किया है, और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हालांकि हमने कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह का यूज नहीं किया है, केवल केवल पेन कॉपी का यूज किया है, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो पूरे हमने देने का भरपूर कोशिश किया है। तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर। क्यूज के बारे में, तो क्यूज के थोड़े बहुत जो रूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम तीन फेज में इस क्यूज को चलाएंगे। जो फर्स्ट फेज हमारा होगा उसमें ये होगा कि 30 या फिर 40 जो भी सेकंड का होगा वो टाइमिंग दिया जाएगा, और एक टाइमिंग के अंदर में आपको इंग्लिश का वर्ड्स जितने आप बोल सकें आपके अंदर जितना कैपेसिटी है वो वर्ड्स आप यहाँ पे बोले। उसके बाद सेकेंड हमारा स्टेज होगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट हमारा हो सकता है गेमिंग से हो या स्पोर्ट्स जो भी हो उससे रिलेटेड हो, और हमारा सेकेंड जो थर्ड स्टेज जो होगा लास्ट वाला, उस स्टेजेस में हमारे जो होंगे कुछ क्वेश्चन होंगे वो एक्सटर्नल सोर्स से पूछे जाएंगे, और उसमें जो भी सबसे ज़्यादा नंबर्स वगैरह लाएंगे उनको हम लोग ऐसे ही एज ए विनर या चैंपियन हम घोषित कर लेंगे, और कोई प्राइज वगैरह तो नहीं, लेकिन हम इनको जरूर इतना बधाइयाँ जरूर देंगे कि हाँ ये अच्छे आगे चल के कर पाए। तो गाइज हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तीन चार बच्चे हैं मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे जी भरपूर अच्छे तरीके से वे चीज को निभा पाए। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके साथ और यहीं पे। तो गाइज हमारे साथ मौजूद है बच्चे, अब इनसे हम इंट्रो करवाते हैं। चलिए बोलिए। हेलो गाइज, माय नेम इज छोटू कुमार, आई रीडिंग क्लास 3। चलिए तो गाइज। हेलो गाइज, माय नेम इज प्रिंस कुमार, आई रीडिंग क्लास 8। हेलो गाइज, माय नेम इज विवेक कुमार, आई रीडिंग क्लास 7। हेलो गाइज, माय नेम इज अभिषेक कुमार, reading class 10. Hello guys, my name is Aishwarya, I am reading class 5. ये होगा शेड्यूल हमारा इसमें, कि पहला हमने फेस को रखा है कि 30 सेकंड मिलेंगे इनको टाइमिंग, और 30 सेकंड में वर्ड जितने होंगे वो इनको बोलने पड़ेंगे। जो वर्ड इंग्लिश के होंगे आपको कैट मैट फैट रैट सैट जो भी आ रहा है आपका वो इंग्लिश को बोलना है। आपको ये रूल समझ लीजिए, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 30 सेकंड में आपको जितना कैपेसिटी है आप उतना वर्ड बोल सकते हैं, और उस वर्ड को ही जो है कैप्चर किया जाएगा, जो कि आपको वॉइस भी कैप्चर करेगा, और जो टोटल काउंटिंग करने वाले हमारे पीछे कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो भी काउंटिंग करके आपको लिख देंगे इतना वर्ड हुआ है। कैट बैट मैट सेट लैप ड्रॉप टेबल चेयर बुक स्टोर पेंसिल बटर आई नोज बोतल ब्लैक बोर्ड मार्कर हैंड पंप आइज हेयर कैट डॉग मंथ एप्पल। जो टोटल हमारा जो इनका काउंटिंग हुआ है वो काउंटिंग 24 बोला गया है, यानी कि 24 इन्होंने वर्ड्स को बोला है, कैपेसिटी इनका अच्छा ही रहा। चलिए इनसे आप सेकेंड फेज में मिलते हैं जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं इनसे। चले गए तो 24 कैट मैट रैट फैट बॉय गर्ल वाटर मिल्क बाइक मोटरसाइकिल बाइसिकल कॉपी पेन कलर रोड रॉड पोल
ऑनेस्ट गुड ऑनेस्टी गुडनेस बोर्ड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वॉच। तो गाइस इनका टाइम सब हो चुका है, हम काउंटिंग पूछते हैं पीछे से कितना काउंटिंग हुआ है। सो गाइस कितना काउंटिंग 25 इनका वर्ड्स रहा 25। चलिए विवेक जी का अच्छा ही वर्ड रहा, चलिए अभी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए गो। एप्पल बॉल कैट डॉग गोट फिश एलिफेंट कैट मैट सेट साह रैट रोड ब्लैक बोर्ड टेबल चेयर गोट बेफेलो काउ हॉर्स आस डंकी बटरफ्लाई बटर फ्रॉग बेंच। टाइम सब हो चुका है गाइस, जैसा कि आपको पता ही है। तो इनका जो है 24 वर्ड्स रहा प्रिंस जी का अभी। चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि चलिए आप अगर सेकेंड फेज में गए तो अच्छा ही रहेगा। चलिए सेकेंड कैट डॉग नाइट लेग ऑफ ऑफ टेबल ब्रेंच स्कूल स्टूडेंट फ्रेंड नेचुरल ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड रोड्स रोड फ्रेंड काउ ऑक्स आस टेबल प्लेन पोल दिल्ली। तो गाइस टाइम सब हो चुका है इनका, 31 सेकेंड हो चुका है, 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। तो चले गाइस इनका कितना वर्ड हुआ, तो 18 यानी कि 18 वर्ड्स रहा। चलिए इनके लिए हम शुभकामनाएं देंगे कि सेकेंड फेज में जाएं। चलिए बैट सैट रैट एलिफेंट डॉग जेब्रा याक नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सोशल स्टडीज साइंस जीके मैथ प्रोग्राम स्टडीज लुक बोर्ड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड हेन। टाइम सब हो चुका है इनका छोटू का, क्योंकि कितना रहा इनका वर्ड, कितना वर्ड्स रहा आपका, तो इनके अनुसार 21 वर्ड्स हैं। तो चलिए गाइस इनके लिए शुभकामनाएं देंगे कि ये आगे फेज में जाए, क्योंकि इनका वर्ड बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि वर्ड इनका जो था हाई फाई लेवल का, मतलब स्टैंडर्ड लेवल का था इनका वर्ड। जो भी अभी तक चार कैंडिडेट आए थे उनसे बेहतर यानी कि अच्छा वर्ड था इनका चुना हुआ, जो भी इन्होंने 4-5 वर्ड्स बोले थे काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो चलिए बहुत अच्छी रहा यहाँ पे, हम आप सेकेंड फेज के लिए आते हैं दूसरे को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बरगद। कौन सा वृक्ष है बोलिए। बरगद। बरगद का पेड़ आप क्लियर हैं, श्योर हैं?